दोस्तों, जब आपको वार्ट की समस्या हो जाती है यानी मसे हो जाते हैं, तो लोग तरह तरह के एडवाइस आपको देते हैं। कोई कहता है कि इसको घोड़े के बाल से काट लीजिए, कोई कहता है आप इसमें जो है चूना रख लीजिए, कोई इसको कहता है कि इसको कटवा लीजिए यानी कॉटराइज करवा लीजिए, और आप परेशान हो जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर नज़र, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये मसे होते क्या हैं, मसे कैसे हो जाते हैं, ये कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार का होता है, और इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मसे की समस्या होती है यानी वार्ट होता है, ये एक वायरस की वजह से होता है, और उस वायरस का क्या नाम है, HPV वायरस। HPV का मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। दोस्तों, ये जो वायरस होता है ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये फैल जाता है। अब ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से भी फैल जाता है, जैसे कि आप सैलून में अगर आप जाएं तो आप देखें कि बहुत सारे सैलून ऐसे होते हैं जहां पे हाइजीन को मेंटेन नहीं किया जाता है। अब होगा क्या कि वहां पे एक ही टॉवल को कई सारे कस्टमर में यूज़ कर दिया जाता है, उसकी वजह से भी ये वायरस जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक चला जाता है। नाई के जो हाथ होते हैं उससे भी कॉन्टैक्ट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो इन्फेक्शन जा सकता है। इसी तरीके से जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे का सामान शेयर करते हैं और जो है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो इस तरीके से भी ये वायरस जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाता है, और ये प्रॉब्लम हर किसी को आ सकती है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो वार्ट है यानी मसे हैं कितने तरीके का होता है। पहले तो इसका जो प्रकार है, टाइप है, वो है कॉमन वार्ट। जो कॉमन वार्ट होते हैं ये मोस्टली जो है ये गर्दन के आसपास पाए जाते हैं, फेस पे पाए जाएंगे, और फेस पे मोस्टली जो है आईलिड के आसपास पाया जाएगा। दूसरे जो इसके प्रकार होते हैं उसको बोलते हैं प्लांटो प्लांटर वार्ट्स। इसमें क्या होता है कि ये मोस्टली हमारे हाथ और पैर के जो उंगलियां होती हैं उसके आसपास पाया जाता है। तीसरे होते हैं जेनाइटल वार्ट्स, जैसे कि नाम से क्लियर है कि ये वाले जो वार्ट्स होते हैं ये हमारे जेनाइटल्स में पाया जाएगा। एक होता है फ्लैट वार्ट। दोस्तों, ये जो फ्लैट वार्ट होता है वो चिपटे आकार का होता है, तो ये अक्सर क्या होता है कि लोग गलत समझ लेते हैं, लोगों को लगता है कि ये कोई दाना है या उनको लगता है कि कोई एक्ने है या मुहासा है, और उसको निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि वो निकलता नहीं है, एक्चुअली ये मसा होता है। तो कभी भी मसे के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और ये जो मसा होता है ये केवल मेडिसिन से ही वो निकल सकता है सही से, इसलिए इस तरह के जो मसे होते हैं कभी भी उनको निकालने की आप कोशिश ना करें। दोस्तों, एक टाइप और होता है, एक्चुअली वो मसा नहीं होता है, वो होता है स्किन टैग। स्किन टैग जो होता है ये मोस्टली हमारे एक्जिला के आसपास पाया जाता है। स्किन टैग और वार्ट्स में कुछ डिफरेंस होते हैं। स्किन टैग जो होता है वो कभी भी कंटेजियस नहीं होगा, मतलब एक जगह से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में छूने से नहीं फैलता है, जबकि वार्ट्स जो है वो फैलता है। ये जो स्किन टैग होते हैं वो मोस्टली सिंगल पाए जाएंगे, वो गुच्छों में नहीं पाया जाएगा, जबकि वार्ट्स जो होते हैं वो गुच्छों में पाया जाएगा, और कभी अगर सिंगल रहेगा तो वहाँ पे आसपास कई सारे पाए जाएंगे। दोस्तों, अब हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको वार्ट्स हो जाते हैं तो इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों, ये वार्ट जो होता है ये स्किन की आउट ग्रोथ होती है, इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती है, तो ये आउट ग्रोथ है। तो बहुत सारे जो वार्ट्स होते हैं वो चिपटे आकार के मिलेंगे, और कुछ वार्ट्स जो है गुच्छों में पाए जाएंगे, जैसे कि फूल गोभी होता है तो इसको बोलते हैं काली फ्लावर ग्रोथ, तो ऐसा लगेगा कि वो जो है फूल गोभी के तरीके का है। और मसे जो होते हैं उसमें किसी भी तरीके कोई सिम्टम्स ऐसा नहीं आता है कि उसमें पेन हो रहा हो, उसमें ब्लीडिंग हो रही हो, या उसमें कोई डिस्चार्ज हो रहा हो। हाँ, लेकिन अगर आपको वार्ट्स हैं और आप ज़बरदस्ती उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें पेन भी हो सकता है और उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको मसा हो गया तो आपको करना क्या चाहिए। दोस्तों, जब भी आपको मसा हो जाता है तो लोग तरह तरह की सलाह देना शुरू कर देते हैं। कोई बोलेगा कि इसमें चूना रख लीजिए, कोई बोलेगा इसको काट दीजिए। बहुत सारी क्लिनिक में क्या होता है कि कॉटराइजेशन वाली मशीन आती है उसे काट दिया जाता है, या बहुत लोग बोलेंगे घोड़े के बाल से काट लीजिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको जो है नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? जब वहाँ पर इस तरीके से मसे को हटाया जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर एक स्कार आ जाएगा, काला दाग बन जाएगा, और वो जो दाग है वो आसानी से जाएगा नहीं। दूसरी बात क्या है, इस तरीके से जो वायरस पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाते हैं, फिर आपको जो है वार्ट यानी मसे जो है शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पाया जाता है। तो इसीलिए इस तरीके का एडवाइस का बिल्कुल भी आपको पालन नहीं करना है। ये बात
आप अच्छी तरीके समझ लीजिए कि अगर आपको मसा हो गया है तो कभी भी उसको फोर्सफुली ज़बरदस्ती ऐसी कोई क्रीम भी मत लगाएं कि उसको लगाओ तो वो सूख जाए और वहाँ पे ख़त्म हो जाए या उसको काट दिया जाए, ये सब तरीके आपको नहीं अपनाना है। दोस्तों वार्ट्स हटाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो मसा होता है उसके जो बेस होता है उसको हम लोग सुखाने की दवा देते हैं, वो जो बेस पूरी तरीके से सूख जाता है तो पूरा का पूरा मसा गिर जाता है और वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी निशान तक नहीं रह जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाने वाला हूँ कि होम्योपैथिक में इसका कैसे ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू।